रिक्रूट ट्रेनिंग सेंटर आईटीबीपी करेरा के द्वारा आजादी की 75वीं वर्षगांठ को पूरे साल मनाया जा रहा है। फिट इंडिया के तहत 18 अगस्त 2021 बुधवार को सुबह 6 बजे आरटीसी गेट से सुरेंद्र खत्री उप महानिरीक्षक के द्वारा 75 किलोमीटर साइकिलिंग रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। सुरेंद्र खत्री उप महानिरीक्षक के द्वारा बताया गया कि फिट इंडिया के तहत 10 साइकिल जवानों डीआईजी के साथ 75 किलोमीटर साइकिल रैली को करेरा के ग्रामीण इलाकों से मछावली देहरेटा अब्बल सड़क खुदावली जरगवा अब्बल होते हुए करेरा मार्केट के राम राजा गार्डन में साइकिल रैली का समापन किया गया। समापन के उपरांत डीआईजी सुरेंद्र खत्री ने बताया कि हम जिन गांव में गए वहां लोगों को देखकर ग्रामीण उत्साहित हुए। हमने उनकी समस्याएं जानी तो देखने को मिला कि ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा का अभाव बहुत है। गांव में 12 विद्यालय नहीं है, ना ही लाइट की बहुत समस्या है। लाइट समस्या के लिए उन्होंने ग्रामीणों से कहा कि आप सोलर पैनल का उपयोग करें। इंटर कॉलेज ना होने से बच्चियों को खासकर ज्यादा समस्या का सामना करना पड़ता है। उनके अभिभावक उनको नहीं भेज पा रहे थे। जैसे 10वीं कक्षा पूरी कर रहे थे आमतौर पे उनकी शादी की तैयारियां शुरू कर रहे थे। इसके लिए हमने उन अभिभावकों से काफी वार्तालाप किया, काफी गहराई से वार्तालाप किया और मेरे को इस बात की बहुत खुशी है। हमें 2 दिन का हमें समय मिला था, वो 2 दिन के समय में ही हमारे श्री राजकुमार तथा राजेंद्र राजपूत फिर क्वार्टर मास्टर श्री भाटी एसी इंजीनियर श्री हरि बहु ये 1-2 दिन में मेरे ख्याल से 16 भी होंगे। इन्होंने इतनी मेहनत की है तो थैंक्स अ लॉट एंड वेल डन टू माय टीम। हाँ जी, आज आईटीबीपी आरटीसी करेरा द्वारा 75 किलोमीटर की साइकिल रैली निकाली गई थी और इसके तहत हमने 5 गांव को कवर किया था। वहाँ पे हमने बच्चों के साथ मीटिंग की थी और जो स्थानीय जनता उनके साथ बातचीत की थी और आज की हमारी सबसे बड़ी ऑब्जर्वेशन सामने निकल के यही आई है कि वहाँ पे कोई भी +2 लेवल का कोई विद्यालय नहीं है, स्कूल नहीं है, जिससे कि लोग बहुत चिंतित थे और जिससे कि वो अपनी बच्चियों को खासकर वो स्कूलिंग +1 के बाद नहीं करवा रहे हैं तो उसके लिए उनको करेरा भेजना पड़ता, जो कि एक दिक्कत वाली बात थी।